थैंक यू। थैंक यू मैम। यमी, तो क्या हुआ अगर आज बाकी सब लोग डिनर पे गए? मैं तो आज अकेले एंजॉय करूंगी, इतने मजे करूंगी, इतने मजे करूंगी, इतने मजे करूंगी और फिर सबको बताऊंगी। सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है अभी तो। ये मैडम मीना अपना चार्जर कहीं भी छोड़ देती है, फिर पूरा घर सर पे उठा के रखेगी। पापा की इंसुलिन किट? इंसुलिन किट तो यही रहेगी। क्या करते हैं ये लोग, मैंने कहा था लेके जाना, अब बिना इंजेक्शन लगाए खाना खाएंगे तो उनकी शुगर कितनी बढ़ जाएगी। बल्कि को फोन करती हूँ। बल्कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? जानवी को ट्राई करती हूँ। जानवी जानवी फोन। अरे पलकी, तुम्हारे चांदनी चौक की जितनी जलेबी फेमस है ना, हमारे ग्रेटर कैलाश की पेस्ट्रीज भी उतनी ही फेमस है। अरे लो ना। हाँ मैं लेती हूँ। लो ना। और आपने आपने अपनी चाय तो हाथ ही नहीं लगाया, अच्छी नहीं लगी, ब्लैक कॉफी बनवा दूँ? हाँ रामकली। अरे नहीं नहीं, हम नहीं पीते ब्लैक कॉफी, हम तो बस आपका घर ही निहार रहे थे। इतने सलीके से सब कुछ रखा है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। मेरी मानो आंटी जी, सुंदर तो आज पलकी लग रही है, उस दिन से कहीं ज्यादा। क्या दी, खुद तो आप हमेशा स्टर्नेश्वरी लगते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। वाकई सुधा जी, आपके यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई साहब। तुमने तो कहा था मेरे भाई को ऐसी सी लड़की मिलेगी, देखा स्टनिंग एंड प्रिटी पलकी को ये रिश्ता मैंने करवाया है। हेलो, रिश्ता भी हुआ नहीं? वैसे भी आज तक कौन सा काम ठीक से किया तुमने जो ये करोगी? दिया देखा मैसेज। जानवी क्या हुआ, आप मैसेज देखते इतना परेशान क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ वो दिया दी का मैसेज है। सब ठीक है? हाँ मम्मी, देखा आपने, खुद तो यहाँ है नहीं, फिर यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस दुखी दिया को। भाई और पलकी को साथ रहने नहीं देगी वो? साथ रहने के लिए ना साथ होना जरूरी है। और वैसे तुम्हारे भाई साहब कहीं दिख नहीं रहे। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, ठीक। नमस्ते अंकल। हाँ खुश रहो, अच्छा। बाकी सबसे तो तुम मिल ही चुके हो, ये हमारी मझली बेटी जानवी। हाय जानवी। हेलो। हाय पलकी। हाय बेटा, बैठो ना। नहीं मम्मी बस, अगर आप सबको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं पलकी से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे हाँ क्यों नहीं बेटा, परमिशन क्यों मांग रहे हो, वैसे भी तुम अकेले में उसे मिल ही चुके हो, आगे भी तुम दोनों ने ही सब कुछ डिसाइड करना है, तो जाओ। मैं भी चलता हूँ, पलकी को घर भी दिखा दूंगा, इस घर का बेस्ट टूर गाइड मैं ही हूँ। ये मम्मी ने लिया था सूरजकुंड मेले से। वेरी प्रिटी। और ये भाई प्री नेशनल लेवल बास्केटबॉल ट्रॉफी के साथ कैप्टन थे वो। और ये हैंडसम मैन हमारे पापा,
बताइए किनकी कार्बन कॉपी है? Of course, अरमान। तो क्या क्या बोले जा रहे हो उसे इंप्रेस करने के लिए यार, मुझे शादी नहीं करनी, खत्म करना है सब। बस एक मिनट के लिए लगा मुझे सच में अच्छी है, स्मार्ट और सुंदर दोनों। क्या उसको देख के लगता है आपको लाइक भी करती है? तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? अच्छा चलो, सॉरी सॉरी, आप ही बात कर लो, ठीक है मैं जाता हूँ। लगी तो नहीं, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो दिया दी का मैसेज आया है, पापा की इंसुलिन लेकर बाहर आई है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तुम रुको, मैं इंसुलिन और दिया दोनों को लेकर आती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो पहले क्यों नहीं आई, अब मैं जबरदस्ती लेकर आऊंगी उसे। तुम जाओ और ये मिठाई लेती जाओ, जाओ। भावना मैं लाती हूँ ना, जाओ। आ गई तुम? वो जानवी ने बताया कि तुम यहाँ वेट कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारा अच्छा सा वेलकम कर दूं। वो मैं एक्चुअली पापा की ये इंसुलिन किट देने आई थी। इनवाइट तो नहीं किया था तुम्हें, पर यहाँ तक आ ही गई हो तो चलो। थैंक्स, मुझे एक्चुअली निकलना है। स्कूटर के खराब होने की, या फिर ये भी तुम्हारी तरह नौटंकी है, खराब होने की एक्टिंग कर रही है? क्या मतलब? आई नो तुम्हें फोमो हो रहा है, यू नो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसीलिए तो इंसुलिन का बहाना बनाकर यहाँ तक चली आई। कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आती, अब तुम्हें देख के हमारे नेबर्स को तो यही लगेगा ना कि कोई डिलीवरी गर्ल आई है। तुम कहना क्या चाह रही हो? अकल के डिपार्टमेंट में भी बैक लग गया है क्या? साफ साफ सुनो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ भाई और पलकी पर नजर रखने आई हो, या फिर उन्हें नजर लगाने आई हो। क्या? देखो, ऐसे ही नहीं कहते कि जेलसी इज अ डिजीज, बट तुम्हारी दोनों बहनें कितनी खूबसूरत हैं। तुमसे छोटी बहन की तो शादी भी हो गई और अब पलकी की बारी है। जेलसी तो होती होगी ना, इतनी जेलसी हो रही है कि एक सेकंड भावना, तुम मुझसे सिर्फ लाइफ में एक बार मिली हो, तुम मुझे जानती तक नहीं हो, मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रही हो, और मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे जेलसी नहीं करती। अरे सब जलते हैं, कभी कभी तो मैं भी जलती हूँ अपने भाई से, मम्मी भाई की ज्यादा साइड लेती है ना, पर कई बार होता है कि भाई बहन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं हर चीज में, रंग में, रूप में, पॉपुलैरिटी में, हर चीज में तुमसे मीलों आगे। अब जो खुशियां तुम्हारे हिस्से आनी चाहिए वो उनके हिस्से चली जाती हैं, तो जायज सी बात है, जलन, गुस्सा, कड़वाहट, ये सब अंदर भर ही जाता है, जैसे तुम्हारे अंदर, तभी तो मुंह उठाकर यहाँ तक चली आई। बहाना नहीं है। क्या? बहाना नहीं है, गलतफहमी है, तुम्हारी गलतफहमी कि मैं अपनी बहनों से जलती हूँ। और सच बताओ ना, तो मुझे तुम्हारे भाई में एक पैसे की भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर सिंगल रहूं। सिंगल ही रहोगी तुम जिंदगी भर, तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कौन सेटल होना चाहेगा? ना रंग, ना रूप, ना कपड़े पहनने का सलीका, और ना ही मैनर्स। कोई एक खूबी बता दो अपनी दुखी दिया। खूबी बताई नहीं जाती है, अपने आप दिख जाती है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने अपने खुद के पैसे कमाती हूँ, अपने डिसीजन पे खुद लेती हूँ। कम से कम उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ ना जो शादी से पहले अपने माँ बाप के ऊपर और शादी के बाद अपने पति पे डिपेंडेंट रहती है। खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं मुझे। हाँ हाँ, दिख रहा है कि कैसे तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अकेले तुम्हारी स्कूटी तक तो अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं हो सकती, तुम क्या खाक अपने पैरों पर खड़ी रहोगी?
हुए तो सब आज तक रिजेक्ट करते आए हैं ना, इसीलिए ना तुम खुद खुश रहती हो ना दूसरों को खुश रहने देती हो। तुम और तुम्हारा भाई अरमान सच में एक जैसे हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी दिखती हूँ तो मुझे मुझे एक प्रोडक्ट की तरह रिजेक्ट कर देना चाहिए। अरेंज मैरिजेस में यही तो होता है, आदमी का फैसला आखिरी फैसला। पर तुम तो एक औरत हो, तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दर्द है, क्या डर है जिसे तुम मुझे हर्ट करके कम करना चाह रही हो? एक्चुअली रहने दो, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनती जाओ। आइंदा भाई और पलकी से दूर रहना। सुनो, उनके बीच आने से पहले ना अपनी शक्ल इस आईने में जरूर देख लेना। बची कुछ गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। शायद दिया जल्दी में थी या किसी बात से उसका मूड खराब था, अंदर तक नहीं आई और मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं की, बस ये इंसुलिन देकर चली गई। अब पर दिया देखे मैसेजेस से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भावना? अरे रामकली, कितनी बार बोला है ग्लास ऊपर तक मत भरा करो, जाओ मॉप लेकर आओ और जल्दी साफ कर दो। सॉरी भावना बेटा, वो ना होटल की किसी टेंशन में होगी, इसीलिए दिया ने ढंग से बात नहीं की। एक बार वो काम में बस फंस जाए ना, फिर उसे दीन दुनिया की मतलब फिक्र ही नहीं होती है ना। पर आंटी जी, माना कि मैं जॉब नहीं करती, पर मैंने भी साइकोलॉजी में बीए किया हुआ है। अपनी बहन की खुशी में दूसरी बहन शामिल नहीं होना चाहती तो बात तो सोचने वाली है ना। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कौन सेटल होना चाहेगा? ना रंग, ना रूप, ना कपड़े पहनने का सलीका और ना ही मैनर्स। तुम्हारे इस अकेलेपन के चक्कर में ना तुम खुद खुश रह सकती हो ना किसी को खुश देख सकती हो। तुम पता किन लोगों में से हो जो वो अपना दुख दर्द फ्रस्ट्रेशन सब ना सोसाइटी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। मैडम, गाड़ी चलाने नहीं आती तो घसीटना तो सीख लो। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये गुलाबी रंग छोड़ो, आप ये ब्राउन वाला देखो ना, ये आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे ये एकदम चटका हुआ रंग है, आप पे सूट नहीं करेगा, आप कोई हल्का रंग ले लो ना। बताओगे मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? मेरी मर्जी, मैं कोई भी कलर पहनूं, लूंगी मैं ये पिंक और ये वाला भी पहनूंगी, कोई प्रॉब्लम? ये पीला भी खरीदूंगी और ये भी खरीदूंगी, ये सब पहनूंगी मैं। ब्राउन पहनो, पैक करो ले जाके। ये लो मैडम। सिंगल ही रहोगी तुम जिंदगी भर। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कौन सेटल होना चाहेगा? ना रंग, ना रूप, ना कपड़े पहनने का सलीका और ना ही मैनर्स। कोई एक खूबी बता दो अपनी दुखी दिया। आई नो तुम्हें फोमो हो रहा है, यू नो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसीलिए तो इंसुलिन का बहाना बनाकर यहाँ तक चली आई। और कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आती, अब तुम्हें देख के हमारे नेबर्स को तो यही लगेगा ना कि कोई डिलीवरी गर्ल आई है। अरे कोई तो मैच हो, दिया के साथ भाई घर से बाहर निकलेंगे तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई अपनी काम वाली के साथ क्यों घूम रहे हैं। जेलसी तो होती होगी ना, इतनी जेलसी हो रही है कि
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।